गाइस कॉमिक बुक्स में थोर के बहुत सारे वर्जन्स हैं, लाइक अनवर्दी थोर, द रेड नॉर्वेल, अल्टीमेट थोर, थोर ओडिनसन और बाकी और भी। लेकिन जब बात आती है थोर के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स की तो हमारे पास सिर्फ दो ही नाम सामने आते हैं, एक तो ओल्ड किंग थोर जिसके पास नेक्रो स्वॉर्ड थी और दूसरा रियन किंग थोर। पर गाइस इनमें से ज्यादा पावरफुल कौन है तो ये तो मैं आपको मेरी आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ रियन किंग थोर की बात करेंगे ताकि आप दोनों कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ सकें कि कौन सा ज्यादा पावरफुल है। सो आज सिर्फ हम बात करेंगे रियन किंग थोर के ओरिजिन की। तो गाइस रियन किंग थोर का ओरिजिन बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग है। दरअसल ये टाइम था रैग्नारोक का, जहां ओडिन पहले ही मर चुके थे और थोर एसगार्ड का किंग था। वहीं लोकी अपनी आदत से मजबूर हमेशा से थोर से ज्यादा पावरफुल बनकर एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, और ऐसा वो अपने बेटों की हेल्प से कर भी रहा था। यहाँ तक कि लोकी ने सर्टर की मदद से एक दूसरा म्योनिर भी बना लिया था, और वो भी उसी मोल्ड से जिससे थोर का म्योनिर बना था। सो लोकी के पास भी वही वेपन था जो थोर के पास था, और इसके साथ ही लोकी के पास एक आर्मी, उसके बेटे और सर्टर भी था जो इस सब में उसकी हेल्प कर रहे थे। सो इसी वजह से एसगार्ड अपने एलाई रैम्स के साथ डिस्ट्रॉय हो गया, सिर्फ बेलहला और बेनाहिम को छोड़कर, जहां लोकी खुद राज करना चाहता था। थोर के सभी लोग मर रहे थे और जो बच निकले वो लोकी की आर्मी से बचने की कोशिश में लगे थे, मतलब कि अल्टीमेटली ये एसगार्ड का अंत था, यानी कि रैग्नारोक। और धीरे धीरे थोर को भी ये बात समझ में आने लगी थी, क्योंकि उसका हर बार हर कोशिश फेल हो रही थी, यहाँ तक कि उसका हैमर भी टूट गया, और अब ना उसके पास इतनी ताकत बची थी कि वो अपने लोगों को मरने से बचा सके। पर थोर और बाकी के एसगार्डियन गॉड्स के बीच एक डिफरेंस था कि वो एक गॉड होने के बावजूद भी एक ह्यूमन की जिंदगी जी रहा था, और इस सब से थोर ने एक बात जरूर सीखी थी कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और इसी बात को उसने रैग्नारोक के टाइम पर भी याद रखा। तो उसने अपने पिता ओडिन के रास्ते पर चलने की सोची, एंशियंट रियून्स और उनके मैजिक को हासिल करने का रास्ता, और वो इतना टफ था कि उसके लिए थोर को ओडिन के जैसे ही अपनी एक आंख मिमिर की वेल में डालनी थी और वर्ल्ड ट्री से 9 दिन और रातों के लिए फांसी लगाकर लटकना था, तब जाके उसे वो विजडम, वो स्ट्रेंथ और वो मैजिक मिल सकता था जिससे वो अपने लोगों को बचा सके। पर जब थोर ने अपनी एक आंख वेल में डाली तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ये रास्ता उसके पिता पहले ही चल चुके थे। तो इस बार थोर को ओडिन से भी बढ़कर कुछ और करना पड़ा। उस टाइम अपने वर्दी ना होने की वजह से थोर के पास ओडिन फोर्स भी नहीं थी, लेकिन हाँ ओडिन फोर्स ने उसे गाइड जरूर किया। उसने थोर को कहा कि तुम्हें अपनी दोनों आंखें मिमिर की बेल में डालनी होंगी और वर्ल्ड ट्री से अपने मरने तक लटकना होगा, मतलब थोर को अल्टीमेटली वो सब कुछ हासिल करने के लिए मरना पड़ता, और उसने ऐसा ही किया। उसने मिमिर की बेल में अपनी दोनों आंखें निकालकर डाल दी। थोर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो बिना आंखों के करेगा क्या। ये एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस था जो कोई सोच भी नहीं सकता, अपनी खुद की ही आंखों को अपने ही हाथों से निकाल देना। पर फिर एकदम से मिमिर की बेल से मैजिकल वाटर बाहर निकलने लगता है। ओडिन फोर्स थोर को उस पानी को पीने और अपनी आंखों में डालने के लिए कहती है, तो थोर बिल्कुल ऐसा ही करता है। इसी के साथ थोर को पास्ट का वो सब दिखने लगा जो एसगार्ड से जुड़ा था, हर वो रैग्नारोक साइकिल जिसमें उसके पिता पहले भी मर चुके थे, अर्थ की क्रिएशन, ह्यूमंस, अवेंजर्स, अपने लोगों की डेथ, हर वो पास्ट जो थोर नहीं जानता था। उसने यूनिवर्स में रैम्स की क्रिएशन देखी और उसके बाद की हर वो कड़ी देखी जो वो जानना चाहता था। पर इसी के साथ थोर को एक और सच्चाई पता चली कि रैग्नारोक वो तो एक एंडलेस साइकिल है जिससे कभी भी बचा नहीं जा सकता, और इसी के साथ वो ये सोचने लगा कि अब वो क्या करेगा। थोर बुरी तरह दर्द और दुख में रोने लगा, तो तभी ओडिन फोर्स ने उसे समझाया कि अगर वो इस एंडलेस साइकिल को खत्म करना चाहता है तो उसे रियून्स का मैजिक हासिल करना होगा जिससे वो फ्यूचर भी देख सके। थोर बहुत निराश हो चुका था, पर ओडिन फोर्स के कहने पर उसने ऐसा ही किया। वो वर्ल्ड ट्री से अपने मरने तक लटक गया, और फिर थोर अपने पिता की स्पिरिट और रियून से इस तरह से जुड़ा कि उसने हर वो क्रिएशन, हर वो नॉलेज देखा जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अब थोर पास्ट और फ्यूचर देख सकता था, प्रेजेंट टाइम को कंट्रोल कर सकता था, यहाँ तक कि वो हर वो रास्ता देख सकता था जो उसे एक बेटर फ्यूचर की तरफ ले चले। उसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, क्वांटम स्ट्रक्चर, हर वो आर्किटेक्चर दिख रहा था जो लाइफ को क्रिएट और डिस्ट्रॉय दोनों कर सकता था, यहाँ तक कि थोर कॉस्मिक आर्किटेक्चर के पार भी देख रहा था, मतलब थोर को यूनिवर्स का हर नॉलेज मिल चुका था, चाहे वो साइंटिफिक हो या कॉस्मिक। रियून्स ने उसे हर एक इंसान, हर एक चीज का फ्यूचर दिखा दिया, और वो सब इतना भयानक था कि थोर तड़पने लगा। उसे ये भी पता चला कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन के बाद ही क्रिएशन की जा सकती है, और रैग्नारोक वही थी।
एंशिएंट रूनस ने उसे हर एक चीज का फ्यूचर दिखा दिया। उसने ह्यूमंस और एक गॉड के हर कर्म को देखा, हर एक बैटल जो जीती गई और हारी गई। उसने यह भी देखा कि क्यों उसके पिता ने उसे अर्थ पर एक मोर्टल की तरह अकेला छोड़ दिया था। तब उसे पता चला कि वो सब तो बस ओडिन के प्लान का एक हिस्सा था, ताकि थोर एक इंसान की जिंदगी जीकर रैग्नारोक की साइकिल को एंड करने का रास्ता निकाल सके। फिर थोर वर्ल्ड ट्री से नीचे गिर जाता है और मौत उसे अपने पास बुलाने लगती है। हेला से उसके ही रैम से निकलना थोर के लिए भी इम्पॉसिबल था, तो इसलिए वो अपने पिता ओडिन से बस आखिरी बार मदद मांगता है, वो भी खुद को बचाने की मदद। और ओडिन की स्पिरिट उनके मरने के बावजूद भी थोर को मरते मरते बचा ले जाती है। और फिर थोर पहुंच जाता है उस जगह जहां एस्गार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स थे, दोज हु सिट अबव इन शैडोज। अब थोर वो सब कुछ देख सकता था जो वो अपनी असली आंखों से भी नहीं देख पाता। और जैसे ओडिन वहां मरे थे, थोर वैसे नहीं मरने वाला था। वो उन सभी को चैलेंज करता है कि अब टाइम अलग है और वो जानता है कि तुम सबको कैसे हराया जाए। फिर थोर खुद को वहां से टेलीपोर्ट करके बाहर निकालता है, वो भी रियोन मैजिक के थ्रू। सो गाइस, ये था रियोन किंग थोर का ओरिजिन। और शायद आपको आइडिया हो ही गया होगा कि वो कितना पावरफुल है, पर फिर भी मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं रियोन किंग थोर की आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करूंगा और उसकी कंप्लीट पावर्स के बारे में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि क्यों वो ओडिन से भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। लेकिन गाइस, जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी तक सुपर हीरो कॉमिक्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उन्हें फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस यही था, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।